हेलो दोस्तों, 8 जनवरी 2020 को प्राइमरी ग्रुप के फर्स्ट टू फिफ्थ यानी के लिए संपन्न हुए यूपीटीटी की परीक्षा के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी मैथमेटिक्स के आपको सर्वशुद्ध आंसर में बता रहा हूँ। मैं वो अवनीश बाजपेयी, आपका हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो आइए फटाफट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आप देखिए कि मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके कितने मार्क्स बन रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यही रहता है। तो पहला सवाल जो आपके पास यहाँ पर ये मेंशुरेशन का है, इस पे आपसे पूछा हुआ था कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी हो जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो जवाब होगा इसमें 37.5। अगले सवाल पर आते, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, ये आपको निकल के आएगा 72। अगला सवाल है, 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था, उसका वेतन 2016 से 10% और 15% बढ़ा, 2018 में पहुंचा 1,26,500, 2016 में उसका वेतन निकलेगा 1,00,000। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा और लासा आपको दिया हुआ है और एक संख्या दी हुई दूसरी संख्या बतानी है, यहाँ पर डी स्टूडेंट दूसरी संख्या आपका 54 निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है, तो उसमें बताना था चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, तो चौथा मंगलवार 27 तारीख को पड़ेगा। अगला सवाल आता है डियर स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर, ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की संख्या 6 होती है जबकि एज 9 होते हैं और फेस 5 होते हैं। यहां पर से शीर्ष पूछे जा रहे हैं, तो शीर्षों की संख्या त्रिभुजाकार प्रिज्म में 6 होती है। अगला सवाल है, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे जाए और 6 रुपए में अगर 4 की दर से बेचे जाए तो इसमें होने वाली हानि प्रतिशत कितनी होगी, यहां पर 10% हानि होगी। अगला सवाल है, यहाँ पर रिक्त स्थान को कौन भरेगा, 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, तो ये 1/1000 किलोग्राम, ये भी सही होगा और इसी को आप लिख सकते हो 10^-3। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस सवाल का जवाब जो देंगे वो आपका ए और बी दोनों यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ए एंड बी बोथ। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ये 0.01 के होल स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में अगर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो ये 0.01% मिलेगा क्योंकि अपॉन 100 करोगे इसको और ये 0.01 × 0.01 हो जाएगा, तो आप दोनों के नीचे अगर 100 करोगे परसेंटेज फॉर्म में रखोगे तो आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा ना, दोनों सेम ही है, 0.01 कर लीजिए या 1/100, दोनों आपका इक्वल है और जवाब आपको यहाँ पर ए एंड डी मिलेगा यानी जवाब होगा 4th इस केस में। आप अपनी बुकलेट के कोड से मिला लीजिए क्योंकि आपको हर एक बुकलेट में क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ऑप्शन ऊपर नीचे है ना, तो आप उससे टैली कर लेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 तथा 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, संख्याएं आपको 9 और 4 मिल जाएंगी, उनके व्युत्क्रम यानी 1/9 और 1/4 का डिफरेंस आपको निकालना है और ये जो डिफरेंस आप निकालेंगे इसमें आपको डिफरेंस निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स 5/36। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक कमरे की लंबाई को जब 10% घटाया गया, चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, तो ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ी हुई है, 5% ऊंचाई बढ़ाई गई, कमरे के आयतन में आपका कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो यहाँ पर कमरे के आयतन में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 24.4 का, इतने परसेंट आपका ऊंचाई जो है वो कम हो जाएगी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जाने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है क्योंकि आप यहां पर पूरा स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 1517 टोटल आपका हो जाएगी सेंटीमीटर में लंबाई, जबकि 902 सेंटीमीटर हो जाएगी चौड़ाई। जनरली इनको आपका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेना चाहिए लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं निकल रहा है, तो फिलहाल अभी इस सवाल को छोड़ रहे हैं, अदरवाइज आपका जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम आपको आगे गाइड करते हैं। अभी के लिए आपका यहाँ पर हम तब तक जो एक्सपर्ट है साइड एक्सपर्ट्स वो जो अप्रोक्सीमेट नंबर है, अगर न्यूनतम संख्या अप्रोक्सीमेट बात की जाए तो वो 841 बता रहे हैं,
अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आता है गुणनफल, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके गुणनफल में जब आप इकाई का अंक निकालेंगे तो ये इकाई का अंक 7 निकल के आएगा। अगले सवाल पर आते हैं। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या रहा होगा? इसमें मूल भिन्न, डियर स्टूडेंट्स, आपको निकल के आएगा 5/8। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5/8। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं, यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या दोनों 8 से भाज्य हैं, ये और ये दोनों भाज्य हैं 8 से, तो इसका अर्थ हो गया जवाब आपका 4th होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। एक पाइथागोरस ट्रिक बतानी है जिसमें आपको सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो आपको पता है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग हो जाता है, और इसमें सबसे छोटी संख्या 8 भी है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास ये, z का मान बताना है आपको। यहां पर z का मान बताना है और ऐसा जिससे कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो z की जगह पर अगर आप 7 रख दें तो ये संख्या आपकी पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पर जवाब हो जाएगा 2nd। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 2160 बराबर 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c। 2160 के फैक्टर कर लीजिएगा, उससे आपको 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 मिलेगा, यानी a b c की वैल्यू आ जाएंगी। वो वैल्यू को अगर आप यहां पर पुटअप कर देंगे तो आपको इसका वैल्यू निकल आएगा, और ये वैल्यू आपको निकल के आना चाहिए स्टूडेंट 81/40। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर आपको x का मान बताना, अपोजिट नंबर क्यूब नंबर से घन संख्याएं हैं, तो सामने आपका घन संख्या में देनी, एक के सामने एक का घन एक ही आएगा, तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा 3rd 1। अगले सवाल पर आते हैं। किसी बंटन का बहुलक किससे ज्ञात कर सकते हैं? किसी बंटन का बहुलक बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं, और इन हिस्टोग्राम्स में आपका हर एक के मिडिल को अगले के लोअर अपर से जो है ज्वाइन करते हैं, तो ये चीज आपका प्रक्रिया आवृत्ति बहुभुज के द्वारा कंप्लीट की जा सकती है। इसमें आपको के का मान बताना है डी स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपका इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आपको निकल के आएगी 2a+b+c, यानी अपॉन a+b 2 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कोई भी 3 माप लेके कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए, और इनमें आपका सिर्फ एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको लेके एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो इसमें जवाब आपका होना चाहिए 1। अगले सवाल पर आते हैं। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, और अंश में 2 जोड़ने पर हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, और ये संख्या कौन सी है? तो इसमें आपका डी स्टूडेंट सॉल्व करने पर आपको निकलेगा 4/9। अंश में 2 जोड़िए तो 6 हो जाएगा, हर में 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6/6, यानी आपको एक जवाब मिल रहा है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपके पास है ये, इसको सिंप्लीफाई करना, राइट से अगर सिंप्लीफाई करना शुरू करें तो यहां पर आपको जो फाइनली जवाब मिलेगा आपका वो -5 मिलेगा। यहां सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपका बार वाला वैल्यू 6 में करके आ जाएगा, 24/6 ये 4 आ जाएगा, प्लस में होगा यहां से आपका -4 आ जाएगा, जब बार आएगा तो +4 -9 +4, यानी -5 की वैल्यू आनी चाहिए। अगला सवाल आता है, यदि मासा ए और 8 का मासा 4 हो, ए और 8 का लासा 24 हो, तो ए का मान क्या है? डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए का मान 12 आ जाएगा। 12 और 8 का मासा 4 है, 12 और 8 का लासा 24 है, और ए का मान क्या निकल के आएगा? 12। अगले सवाल पर आते हैं। आयताकार खेत का विकर्ण है 17 मीटर और परिमाप है 46, आपको बताना है यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा 120 m² निकल के आएगा। अगला सवाल आता है, 2^-1 की पावर -1 के सरलीकरण से क्या प्राप्त होगा? 2^-1 यानी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 होल टू द पावर -1 यानी वापस 2 हो जाएगा, और 2 कैसी संख्या है? 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 एक सम संख्या भी है, 2 आपका गुणक भी है, तो जवाब आपका ए बी सी यहां पर हमें पहला कर लेना चाहिए। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो आपका सिर्फ एक ही कथन इसमें सही है। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, जैसे 9 है, 27 है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन साथ साथ में विषम संख्याएं भी हैं। अगला सवाल आते हैं, एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में 100 भुजाओं की संख्या, ऐसे बहुभुज जिसमें बाह्य कोण और अंतः कोणों का अंतर 60 डिग्री है, ऐसे में जो भुजाओं की संख्या होनी चाहिए वो 6 आनी चाहिए। अगला सवाल है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, किसी भी सरल रेखा पर जो बिंदु होते हैं आपका वो असंख्य होते हैं, और रेखा आपका कोई भी दो बिंदुओं के बीच में खींची जाती, तो यहाँ पर जवाब होना चाहिए असंख्य। तो ये थे आपका मैथमेटिक्स सेक्शन के आंसर। बाकी हमारे चैनल पर आपको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आप अगर किसी भी आंसर के साथ असहमत है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आपका रेक्टिफाई करने का। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा हिस्टोरिका ऑनलाइन क्लासेस को। थैंक यू सो मच।